हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। हम लोगों ने हमेशा सुना है कि कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं जो हमारी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देती हैं, और वो इंसान चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई चोर है, डाकू है, या एक नॉर्मल बंदा जो अपनी सिर्फ रोजी रोटी के लिए काम करता है, वो है। हर किसी की लाइफ में कोई ऐसा मोड़ कभी ना कभी आ जाता है जो उनकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देता है। तो आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो तारिक जमील साहब के एक ऐसे बयान के ऊपर है जो कि हार्ट मेल्टिंग बयान है। और इस वीडियो में उन्होंने एक चोर का ऐसा वाक्या मेंशन किया है जिसमें उन्हें नबी से मोहब्बत हो गई थी। तो इस वीडियो को सुनते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि वो चोर कौन था, मतलब वो आज की टाइम का चोर था या वो उस टाइम का ही चोर था जब हमारे नबी इस दुनिया में थे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को तारिक जमील साहब की इस वीडियो से मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कबीरा शराब से बचो, नशों से बचो, झूठ से बचो, झूठ से बचो, झूठ से बचो, झूठ से बचो। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, एक झूठ नहीं बोल सकता, एक धोखा नहीं दे सकता। धोखा ना दो, खास तौर पर यहां के लोगों को धोखा देना तो बहुत बड़ी गिरावट है। यहां के हुकूमत ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, तुम इन्हीं को धोखा दो। टैक्स बचाने के लिए झूठ बोलो, कितने पैसे बचा लोगे? झूठ बोल के तुमने सारा मुल्क बचा लिया तो अल्लाह की कसम घाटे का सौदा। पैसा ना बचाओ, सच को बचाओ। सच प्रॉपर्टी है, पैसा प्रॉपर्टी नहीं है, सच प्रॉपर्टी है। हमारे मुल्कों में तो लोग टैक्स नहीं देते कि हुकूमतें कुछ लगाती हैं कुछ खा जाती हैं, यहां तो सारा तुम पे लगाते हैं। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों धोखा देते हो? एहसान दानिश की किताब जिंदगी में एक वाक्या मैंने पढ़ा कि जब अंग्रेज की हुकूमत थी हिंदुस्तान पे, तो एक दिल्ली में एक गुरु था जो जेब कतरा था, उसके आगे चेले थे जो जेब काट के कमाई देते थे। तो एक दिन एक उसका चेला यानी एक लड़का 2 रुपए लेकर आया, तो उसके टीचर ने उसको डांटा कि इतने थोड़े पैसे आज लाए हो, सिर्फ 2 रुपए। तो उसने कहा उस्ताद जी आज बड़ा मोटा माल पकड़ा था, आज एक अंग्रेज की जेब काटी थी, बड़े पैसे थे, लेकिन जब मैं 4 कदम चला तो मुझे ख्याल आया कि अगर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को ताना दे दिया, गिला दे दिया कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो फिर मैं अपने नबी को क्या जवाब दूँ? और मेरा नबी मेरी वजह से शर्मिंदा हो कि बस इस शर्म में जाकर मैंने उसको वापस दे दिए और ये अपने के 2 रुपए खिसका के लाया हूँ। तो वो गुरु ने उसको 10 रुपए इनाम दिया, कहा बेटा ये तेरा आज का इनाम है कि तूने खूब किया। तो तुम्हारा इन लोगों से वास्ता है, ईसा अलैहिस्सलाम ताना दे बैठे तो किधर जाओ? झूठ ना बोलो चाहे सब कुछ देना पड़ जाए। झूठ बोल के पैसा ना बचाओ, धोखा दे के कागजात ना बनाओ। यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी करना कि मेरे कागजात बन जाएं, अल्लाह के वास्ते ऐसी जिल्लत के काम ना करो। मेरे नबी ने फरमाया जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। नमाज छोड़ने पर कहा उसने कुफर किया, जिसने नमाज छोड़ी कुफर किया, और जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। मैंने गश्शा फलई समिन्ना, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, सब कुछ चला जाए जाने दो, सच का साथ ना, सच का साथ। इब्न खराश रहमतुल्लाह के बारे में मशहूर था, जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला। हज्जाज का जमाना, उनके 2 बेटे हज्जाज के खिलाफ जंग में शरीक हो गए, फिर उनको शिकस्त हो गई, वो भाग गए, फिर छुपते छुपाते घर पहुंच गए। CID ने बताया कि वो घर आ गए, तो हज्जाज ने कहा आज इब्न खराश का इम्तिहान लूंगा। उनको बुला लिया, कहने लगा इब्न खराश और तेरे 2 बेटे हमारे खिलाफ जंग में शरीक हुए थे, वो फिर भाग गए थे, उनकी कोई खबर है कहाँ है? तो उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया कि हज्जाज जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, घर आ चुके हैं, घर में हैं, अभी कहीं छोड़ के आए हूँ।
तो हजाज ने कहा तेरे सच पर तेरे बेटे तुझे हदिया करता हूँ, अगर तू झूठ बोलता तेरा सर भी उड़ा देता, तेरे बच्चों का सर भी उड़ा देता, तेरे सच पे तुझे तेरे बेटे तोहफा देता। मुसलमान झूठ नहीं बोलता। चंद पौंड की खातिर तुम कागजात में हेरा फेरी करो, डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है। यहाँ के पेपर बनाने के लिए यहाँ की लड़कियों को धोखा दो, डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह के सामने खड़े होनोगे। ईसा अलैहिस्सलाम का ताना, अगर गिला आ गया नबी को तो किधर जाओगे। सच के साथी बनो, सच के साथी बनो, सच के साथी बनो। टैक्स देना पड़े दो दिनों, तुम पे खर्च होता है, एक तरफ चार पैसे हैं एक तरफ सच है। कब मुसलमान सच बोलता, झूठ नहीं बोलता। एक दफा सहारनपुर में झगड़ा हो गया, एक जगह थी हिंदुओं की, मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ था, तो हिंदुओं ने केस कर दिया अंग्रेज का जमाना था, अदालत, वो मस्जिद बनाना चाहते थे, हिंदू मंदिर बनाना चाहते थे, तो दोनों तरफ बात तपी हुई। तो आखिर वो जज ने कहा भाई कोई ऐसा आदमी है, हिंदुओं से कहा, जो गवाही दे दे तो उसकी गवाही तुम कबूल कर लोगे, और मुसलमानों से भी पूछा, तो हिंदुओं ने कहा जी हाँ, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब अगर गवाही दे दें कि जमीन मुसलमानों की है तो हम दे देंगे। तो मुसलमान बड़े खुश हो गए, मुफ्ती मुजफ्फर तो आखिर अब मुसलमान है तो हमारे हक में गवाही देगा, था उनका कब्जा नाजायज। तो जब वो अदालत में तशरीफ लाया, मुसलमान बड़े इत्मीनान का, हूँ जनाब साढ़े हक फैसला होना, चूंकि आजकल सिर्फ सच को कौन देखता है। तो अंग्रेज जज ने पूछा हाँ जी मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं, फरमाने लगे देखो जज साहब, ये जमीन हिंदुओं की है और मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। तो मुसलमानों ने गालियां निकालनी शुरू, वो यहूदियों वाला बन गया ना, गालियां निकालनी शुरू कर दी। तो अंग्रेज जज ने कहा आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया, आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया, अपनी हार मान के इस्लाम को जीता था, सच बोल के इस्लाम को जीता था। झूठ के साथी न बनो, सच के साथी बनो, झूठ के कागज बनाकर कोई बेनिफिट हासिल न करो। मैं न्यूजीलैंड गया, मैं हैरान हो गया, एक हफ्ता मैं रहा, डिप्रेशन का शिकार रहा कि मुझे बताया गया कि पूरे न्यूजीलैंड में एक आदमी झूठ नहीं बोलता सिवाय पाकिस्तानियों के, बंगालियों के और इंडियन, जो बंगाली जो पाकिस्तानी जो इंडियन पहुंचे ये झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, इनमें एक आदमी झूठ नहीं बोलता। सच तो एक आलमी सिफत है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी कहता सच बहुत आला चीज है। और तुम्हें तो तुम्हारा नबी कह रहा है असित को युंजी वल कदिब युहलिक, सच नजात देता है झूठ हलाक करता है। आप तशरीफ ले जा रहे थे, आपको आवाज आई या रसूल अल्लाह, तो आपने इधर उधर देखा कोई नजर नहीं आया, फिर आवाज आई या रसूल अल्लाह, फिर आपने देखा तो एक हिरनी आपको पुकार रही थी, हिरनी वो बंधी हुई रस्सी के साथ, तो आप उसके करीब गए, क्या हुआ, कहीं आपका साथी मुझे पकड़ के लाया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भूख से वो तड़प रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं उनको दूध पिला के वापस आ जाता, अब वो पराई चीज़ है। तो आपने कहा अगर तू वापस ना आई तो फिर, कहा अगर मैं वापस ना आई तो अल्लाह मुझे आग में डाल दे जहन्नम। तो आपने उसकी रस्सी खोल दी और खुद वहीं बैठ गए, वो दौड़ते दौड़ते पहाड़ों में गायब हो और आप वहीं बैठे। कुछ देर के बाद आपने देखा वो पहाड़ से उतर कर आ रही थी, कह या रसूलल्लाह मैं हाजिर हो गई, तो आपने उसको रस्सी से बांध के वहीं खड़ा कर दिया और खुद वहीं बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो वो आ गए शिकारी जो उन्हें शिकार किया था, तो आपने कहा उनका नाम कोई नहीं मौजूद, तो आपने कहा मेरे भाई मेरी एक दरख्वास्त है आप पूरी करेंगे, कह या रसूलल्लाह क्यों नहीं, कह ये हिरनी मुझे हदिया कर दो, कह या रसूलल्लाह सब कुछ आपका है, कह बस मुझे हिरनी चाहिए, कब ले लें, तो आपने उसकी रस्सी खोली, कह जा बेटी अपने बच्चों के पास मौज कर, सच नजात देता है झूठ हलाक करता है।
तो उसने यूँ आपके सामने सर झुकाया शुक्रिया का और चार कदम दौड़ी, फिर पीछे मुड़ी, फिर आपको देखा, फिर यूँ सर झुकाया, फिर आगे गई, फिर थोड़ी दूर गई, फिर यूँ पीछे मुड़ी, फिर आपको देखा, फिर यूँ सर झुकाया, फिर जहाँ तक वो नज़रों से ओझल नहीं हुई वो आपको मुड़ मुड़ के यूँ सलाम करती गई। सच तो एक हिरनी को नजात दे गया, तुम्हें नहीं देखा, तुम्हें किस पागल ने कहा झूठ बोल के पैसा बचाओ, झूठ बोल के कागज़ बनाओ, धोखे दे के पेपर बनाओ, अल्लाह के वास्ते इस हकारत वाली सोच से निकलो, इंसानियत पर दाग ना बनो, इनके कदरदान बनो जिन्होंने तुम्हें पासपोर्ट दिए, जिन्होंने तुम्हें तालीम के मौके दिए, तुम्हें हर शय मयसर की और आखिरी मुमकिन हद तक तुम्हें जुल्म से बचाने की कोशिश की। मौसम के ऊपर क्यों आए थे इस देश में? आए हो तो फिर धोखे से बचो, झूठ, मुसलमान कहीं भी हो धोखे से बचता है। क्या अपने पेट से कपड़ा उठाना कि हरम बैतुल्ला के अंदर जेबें कटती, बैतुल्ला के अंदर जेबें कटती, और हाजी बेचारे कितनी दफा फरियादें करते हुए नजर आए कि जेब कटे, जेब कटे, बैतुल्ला के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर। सवाल ऐसे नहीं आता, तीन काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, और तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा। जो झूठ बोलता है, जो जुल्म करता है, जो धोखा देता है, जो झूठ बोलती है, जो जुल्म करती है, जो धोखा देती है, इज्जत के ख्वाब देखने छोड़ दे, जिल्लत मुकद्दर है इस जहान में उस जहान। कौम हो, फर्द हो, औरत हो, मर्द हो, जुल्म है, झूठ है, धोखा है, रब जुल जलाल की कसम जिल्लत के सिवा कुछ ना मिलेगा। जो सच बोलता हो, जो अदल करता हो, जो दयानतदार हो, उसके लिए इज्जत मुकद्दर हो गई, हो गई, हो गई। सच एक फर्द में है, अदल एक फर्द में है, दयानत एक फर्द में है, एक कौम में है, इन्हें इज्जत देना यकीनी हो गया, मेरा अल्लाह इन्हें दे के रहेगा, चाहे वो अल्लाह को मानते हैं, चाहे अल्लाह का इनकार करते हैं। आगे आखिरत का मसला अलग है, यहां यहां कौम, फर्द, कबीला, कोई मजहब, पत्थर का पुजारी, आग का पुजारी सच बोलता है, जुल्म नहीं करता, दयानतदार है, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे इज्जत की जिंदगी देगा। रात का तहज्जुद गुजार, दिन का रोजेदार, कहीं जुल्म करता है, कहीं झूठ बोलता है, कहीं धोखा देता है, जिल्लत उसके माथे पर लिख दी जाएगी और मौत के बाद की जिल्लत भी साथ उठेगी। तो अल्लाह को राजी करो कैसे? कबीरा गुनाहों से बचकर, उसके सामने सर झुका कर। दूसरा काम, अल्लाह के बंदों के साथ मामला करो। सारा मामला दो हदीसों में बता दे। अगेन बहुत ही अच्छा मैसेज है तारिक जमील साहब का कि हमेशा सच बोलो, कभी धोखा मत दो, कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करो, बिकॉज अगर ये तीन चीजें आप करते हो तो आप कभी भी अपने अल्लाह के प्यारे नहीं हो सकते, कभी भी आपको तरक्की नहीं मिलेगी, कभी भी आप कामयाब नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ झूठ बोल रहे हो कि अपना काम निकलवाने के लिए और उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो, अगर यू आर इन अ पोजीशन की या आप उस पोजीशन को होल्ड करते हो कि आपके अंडर सबॉर्डिनेट्स हैं या कोई जूनियर्स हैं उनके ऊपर जुल्म करते हो या किसी को धोखा देते हो, तो उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं कि आपने लोगों को धोखा दे के, जुल्म करके या झूठ बोल के जो कमाई की है या जो भी तरक्की हासिल की है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और इसमें जो सबसे अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया था जो मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन थे, जिनका वो जब हिंदुओं ने और मुसलमान लोग आपस में लड़ रहे थे जगह के लिए कि यहाँ पर मंदिर बनेगा या मस्जिद, और कोर्ट में वो केस जब गया था
जज ने क्या बोला था हिंदुओं को और मुसलमानों को जब वो उस जगह के लिए लड़ रहे थे, कि आप किसी ऐसे शख्स को लेकर आओ जो आप मन जो बाद में आकर जो भी बयान देगा आप उसकी बात को सबसे ऊपर रखोगे और मानोगे। तब हिंदुओं से जब पूछा गया था, हिंदुओं ने बोला था कि हम लोग मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन जो है उन्हें बुला लीजिए, अगर वो बोल देंगे कि ये ज़मीन मुसलमानों की है और यहाँ पे मस्जिद बननी चाहिए तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर मुसलमानों को ऑब्वियसली खुश होना तो जायज़ था कि उन्हें पता था कि अब वो हमारे मज़हब से बिलोंग करते हैं तो वो हमारी सी साइड से बोलेंगे, बट उन्होंने सच का साथ दिया और उन्होंने बोला ये ज़मीन जो है वो हिंदुओं की है। और सबसे अच्छी लाइन जो उस जज ने बोली कि आज बेशक मुस्लिम हार गया हो लेकिन इस्लाम जीत गया, और हमारी पर्सनल जीत कुछ मायने नहीं रखती है अगर हमारी वो कम्युनिटी की जीत हो जाती है या हमारे मज़हब की जीत हो जाती है, तो इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। और ये तो सच है, आजकल लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए झूठ धोखा जुल्म ये सब तो करते ही रहते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, दूसरे को गिरा के खुद ऊपर चढ़ना चाहते हैं, ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन हैं, होती रहती हैं हर जगह पे। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखो। मीन्स आजकल का माहौल ही ऐसा है कि बंदा चाहकर भी हमेशा सच नहीं बोल पाता, बट फिर भी ट्राई करो जितना ज़्यादा सच हो सके उतना बोलो, बिकॉज़ क्या है वो हम लोग ही डिसाइड करते हैं, नहीं यार इस चीज़ के लिए मैं ऐसे झूठ बोल देता हूँ। लेकिन सोचो उस चीज़ के लिए अगर आप सच भी बोल देते तो क्या होता, कुछ नुकसान नहीं होता उस चीज़ से कि अगर आप सच बोल देते। बंदा खुद ही सोचता है नहीं यार मैं सच बता दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इसके रिप्रिकॉशंस ये होंगे, ये वो होगा, ये हो जाएगा, बट कुछ नहीं होता। अगर एक बार सच बोल दोगे तो हमेशा ज़िंदगी सुकून से रहती है। और वो जो चोर था जिसने उस अंग्रेज के दौर पे चोरी की, दौर पे उसने चोरी किए थे, पता नहीं दौर पे उसके पास कैसे आए थे, बट उसने उसकी जब जेब काटी थी, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया था दिल्ली में गुरु चेले थे कोई, गुरु मीन्स उस गैंग का लीडर होगा चोरों के गैंग का लीडर, तो उसके एक चेले ने जबकि अंग्रेज की जेब काटी, तो उसके बाद में वो अपने मालिक को जाके बोल रहा कि शायद उसे पता नहीं उसकी जेब से ही 2 रुपये मिले थे या कहीं और से उसने 2 रुपये कमाए होंगे, आई डोंट नो, वो चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई। तो उसके पास 2 रुपये तो उसने जब जाके दिए अपने मालिक को, और उन्होंने जब बोला कि आज 2 रुपये की कमाई करके लेके आए बाकी कहाँ है, तो उसने बोला कि मैंने अंग्रेज़ की जेब काटी थी, उसके पास पैसा तो बहुत था उसकी पॉकेट में बट मैंने लिया नहीं, उसे वापस दे दिया। और रीज़न क्या था वापस देने का, क्योंकि वो अंग्रेज़ था, तो उन्होंने बोला कि अगर मौत के बाद मुझे मैं वहाँ पे गया और ईसा अली इस्लाम ने मेरे हुजूर साहब को बोल दिया कि तेरी उम्मत ने मेरी उम्मत की जेब काटी थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मीन्स ये जो कुरान में मेंशन किया गया है कि आपको अपने गुनाहों से अगर तौबा नहीं करते तो मौत के बाद जब आप अल्लाह के सामने पेश होगे तो आपके सारे गुनाहों का वहाँ पे हिसाब किताब लिया जाएगा, हर चीज़, ऐसा नहीं है कि किसी भी एक चीज़ को छोड़ा जाएगा, हर चीज़ का आपसे पूछा जाएगा कि ये क्यों किया वो क्यों किया। तो वो मतलब था तो चोर, क्योंकि उसके जॉब नहीं थी, जो भी नहीं था वो चोरी करता था, बट उसका ईमान पूरा था। उस बंदे ने क्या क्या कहा कि अगर उस टाइम पे मैं जाऊंगा तो अगर ईसा अली इस्लाम ने मेरे हीरो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया कि तेरी उम्मत है ये और ये चोरी करके आए थे मेरी उम्मत की इसने जो जेब काटी थी, तो मतलब मैं अपने जो हुजूर हैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता उनके सामने, इसलिए मैंने उसका पैसा वापस कर दिया। ओह मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में, सच में होती हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स जब सुनते हैं ना लाइफ में तो बहुत खुशी होती है कि शायद ये लाइफ चेंजिंग बयान होते हैं। ओके जी, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय।